हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी ने 1354 स्टाफ नर्स को प्रदान किया नियुक्ति पत्र, बोले बीमारों राज्य से उबरा यूपी। सीएम योगी के सख्त निर्देश, साइबर अपराध पर करे नियंत्रण, फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। यूपी में अचानक बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या, नई थमरा तेज बुखार से मौतों का सिलसिला। एकेटीयू ने नेक मूल्यांकन की तैयारी तेज की, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को मिली ये जिम्मेदारी। वाराणसी में नेताजी मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सफाई करेंगे दीपदान, देश बचाओ पद यात्रा का शुरू होगा दूसरा चरण। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में इंदिरा गांधी की जन्म दिवस के मौके पर गांधी प्रतिमा से काकोरी शहीद स्मारक तक गांधी संदेश यात्रा का पैदल मार्च निकाला गया। बता दें कि फांसीवादी ताकतों के खिलाफ ये संदेश यात्रा निकाली गई है। इस संदेश यात्रा में चाचा आमिर हैदर, प्रोफेसर रमेश दीक्षित, संदीप दीक्षित, मोहित अहमद के साथ कई लोग शामिल हुए। खबर रायबरेली से है, जहां ट्रैफिक पुलिस यातायात माह मना रही है, तो वहीं आम लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते मिले, जिसकी वजह से सड़क हादसों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जनपद में कई जगहों पर यातायात नियमों का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई हादसे हुए। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों की टीम ने घायल को लखनऊ रेफर किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां मासूम बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल और प्राथमिक उपचार देने के बाद नोएडा चाइल्ड पीजीआई रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते दोनों ही सरकारी अस्पताल में मासूम बच्ची को रेबीज का इंजेक्शन नहीं लग सका। पीड़ित परिवार ने निजी अस्पताल में बच्ची का इलाज करा, रेबीज इंजेक्शन लगवाया। ये कुत्ते ने काटी लड़की। कितनी बड़ी बच्ची है ये? 1 साल की। अच्छा, किस तरह से काटा, कब काटा? दोनों तरफ काटा, 2 बजे करीब काटा। काफी ज्यादा घाव कर दिया, कल काटा था लगभग 2 बजे के करीब काटा था इसके। बस यही खेल रही थी सामने ड्रम के पास, अचानक कुत्ता आया कहीं से और काट लिया उसके। और जिला अस्पताल में लेके गए थे, उन्होंने वहाँ पे टिटनेस का इंजेक्शन लगाया और ढंग से देखा भी नहीं, खाली पट्टी कर दी, कुछ भी नहीं लगाया। और इसमें भीमराव अम्बेडकर में रेफर कर दिया, वहां पर गए तो उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है और इंजेक्शन नहीं है। खबर सीतापुर से है, जहाँ जियो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने जीनियस मॉन्टेसरी स्कूल प्रबंधक के सहयोग से निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। डॉक्टर मोहम्मद मकरम और डॉक्टर इबादत अली ने करीब 200 मरीजों का निशुल्क इलाज कर दवाई भी बांटी। इस दौरान खुर्शीद आलम, रेहान खान समेत कई स्थानीय निवासी मौजूद रहे। जियो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रंगवा लहरपुर रोड पे, उसकी तरफ से निशुल्क लगाया गया, जिसमें कि मेडिसिन वितरण कराया गया है। और इसमें हमारे सहयोगी रहे मास्टर मुशीर आलम साहब, मास्टर सैयद सुल्तान सलाहुद्दीन टीपू साहब। तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि इस समय जो है तो काफ़ी वायरल चल रहा है। लखीमपुर के फूलबेहर थाना क्षेत्र के ब्लॉक नकहा में गांव पितरासी पीएचसी से एक नया मामला सामने आया है।
बता दें कि अस्पताल के दरवाजे पर प्रसूता तड़प रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में जिस समय महिला पहुंची तो ड्यूटी पर कोई भी स्टाफ नहीं मिला, अस्पताल में ताला बंद था। फिलहाल पीड़िता ने सीएमओ खीरी को फोन पर घटना की जानकारी दी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूरन परिजन गर्भवती को जिला अस्पताल ले गए। रीता की ड्यूटी लगी है और रीता यहाँ पर है नहीं, ठीक है। हम अपना जो पेशेंट हमारा बहुत ज्यादा परेशान है, फिर हम लखीमपुर से लेकर जा रहे हैं। यहाँ ताला पड़ा है, कोई नहीं? हाँ, जो दाई आई है यहाँ की है। कौन दाई? वो इनका नाम तो हम जैसे जानते नहीं है। क्या बताया दाई ने? दाई ने बताया कि इसे ऑपरेशन वाला मामला है, तो आप लखीमपुर से लेकर जाओ। तो आप लखीमपुर जा रहे हैं? और क्या कर सकते हैं, हमारा पेशेंट ज्यादा परेशान है, तो जाना तो हमें पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, ये जो प्रशासन, ये जो अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, तो प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी के फोरवेड थाना क्षेत्र के नकहा ब्लॉक के अंतर्गत पतरासी सीएससी का है, जहाँ पर एक प्रसूता तड़पती रही, दर्द से तड़पती रही, लेकिन वहाँ पर जो मेन जो अस्पताल था उसके गेट पर जो ताला पड़ा हुआ था, वहीं पर जो आशाएं वो रहती हैं दाई, रात में उनके द्वारा बताया गया कि जो ड्यूटी पर नर्स मैडम है वो फिलहाल तो आई नहीं है, लेकिन इनकी जो हालत खराब है उसको, लेकिन जिस तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, तो बिल्कुल लखीमपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिस तरीके से लापरवाही देखने को बराबर मिल रही, तो ये एक स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक मामला है। लखीमपुर जनपद में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। जी धन्यवाद जल जानकारी के लिए धीरज। में सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव के समीप नेशनल हाईवे पर दो ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें पीछे के ट्रक से सवार चालक और खलासी ट्रक के कैबिन में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला और इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शक्ति नगर में एक बाइक सवार सीवर लाइन के पाइप के खुले हुए गड्ढे में अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसके बाद बाइक सवार युवक को काफी चोटें भी आई हैं, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय निवासी ने बताया कि कुछ महीने पहले यहां सीवर लाइन की पाइप डाली गई थी, उसके बाद बाहर निकलने की वजह से ये पाइप टूट गई। तब से इस टूटी पाइप से पानी निकलता रहता है और यहां पर 5 से 6 फीट का बड़ा गहरा गड्ढा हो गया है, जिसके चलते जल भराव रहता है। इस संबंध में नगर पालिका के अधिकारियों को सूचित कराया गया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खबर सीतापुर से है, जहां ग्राम प्रधान और ठेकेदार चकमार्गों पर पटान कार्य कर रहा है। पीड़ित किसान राजेंद्र ने बताया कि गाटा संख्या 476 पर उसका स्वामित्व है, लेकिन प्रधान और ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए जबरन पटान कार्य संचालित कर रहे हैं। पीड़ित किसान ने सिविल जज, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। 1 तारीख को हमने एप्लीकेशन थाने में दिए, SDM को दिए और सीतापुर में भी दिए हैं, और सर हर जगह पे हमने सब कुछ किए, स्टे भी है उसका और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है सर। कोर्ट से स्टे है आपका? कोर्ट से है सर। किस चीज़ की कार्रवाई है, क्या चाहते सर? रोड उसमें हमारे खेत में निकाले हैं वो सर, रोड 475 में है, वो 76 में सर निकाल रहे हैं, और 75 में निकाल नहीं रहे, 76 में रोड निकाल रहे हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब ने गांधी चौक पर स्टॉल लगाकर जरूरतमंदों को ठंड से निजात दिलाने के लिए पुराने गर्म कपड़े बांटे। इस दौरान रोटरी क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम पिछले 3 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिससे हजारों जरूरतमंद लाभान्वित हुए।
का कार्य मानव सेवा का कार्य है। हर साल हम लोग जो है जाड़े में गरीबों के लिए स्टॉल लगाते हैं, जिसमें जिसका टैगलाइन ही आप पढ़ सकते हैं, आवश्यकता सभी को तो हमें दे जाए और जिनको आवश्यकता है निसंकोच दे जाए। ये चूँकि मानव रहित है तो किसी को आत्मग्लानी भी नहीं महसूस होती है, किसी को अपने गरीबी को भी नहीं होता है कि हम अपना आए और जिसको ज़रूरत है अपना दे जाए, जिसको आवश्यकता हो ले जाए। रोटरी क्लब के द्वारा प्रत्येक साल जो यहाँ पे हमारे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास उन्हीं कपड़ों की व्यवस्था नहीं है, जो जाड़े में ठंडक में उनके घर के बच्चे ठंडक में कांपते हैं, उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। रोटरी क्लब के द्वारा ये स्टॉल जो हर साल लगाया जाता है, अगर आपके पास अधिक कपड़े हों अपने घर में तो आप यहाँ पर लाकर बेशक रख सकते हैं और जिन्हें आवश्यकता हो बेशक वो यहाँ से कपड़े ले जा सकते हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप